सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज निकले तो है अपन आरसी पे, लेकिन आज अपने एक दोस्त ने MD-15 जो है उसकी वो फुल मॉडिफाई करा लिए। तो मॉडिफाई भी ऐसी कराई है कि एकदम रेयर है, मतलब मुंबई में तो बहुत ही रेयर है। वो गाड़ी अपने को बाहर दिख सकती है एक बार, लेकिन मुंबई में कभी नहीं। तो मैंने बोला क्यों ना उससे मिला जाए और एक व्लॉग बनाया जाए। तो निकल चुके हैं उसको मिलने के लिए। तो वहाँ पे रोहन और वो खड़े और अपन जाएंगे यहाँ से अकेले। और किसी ने अपना देखो लीवर गार्ड तोड़ दिया है, तो पार्किंग में पड़ी थी, क्या मालूम क्या हुआ रहेगा। ठीक है कोई नहीं, ये तो लगा लेंगे। 400 का है, ज़्यादा महंगा है नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगता ऐसा कोई करता है। तो मैं बात कर रहा था वो वाली MT-15 की। तो जो वो है वो मतलब केरला टाइप मॉडिफाई है, मतलब केरला में भी नहीं होगी ऐसी गाड़ी। तो वो टाइप की मॉडिफाई उसने की है और वो इतनी अच्छी लगी कि मैं बोला भाई मैं आ रहा हूँ व्लॉग बनाने और वो गाड़ी देखनी है मुझे आज। तो वो गाड़ी देखने के लिए अपन निकल चुके। तो बातें इधर कम करते अपनी गाड़ी पे और डायरेक्ट मिलता हूँ मैं उसकी गाड़ी जब आती है तब। MT आ गई है अपने पास और रोहन चला रहा है अपनी RC। तो अपन चला गया अब MT, और इस पर फील अलग ही एक बैठने की, क्योंकि अपन RC पे जो झुक के बैठते हैं और ये MT की अलग ही मजा है। हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई ने डाला है फिल्टर। और क्या ही आवाज़ आ रहा है देखना। ओहो, क्या ही मज़ा है भाई। और ये गाड़ी में बहुत मॉडिफिकेशन हुई है, मतलब छोटी छोटी मॉडिफिकेशन। ये देखो ये क्या लग रहा है। तो यहाँ रुक के मैं आपको पूरा इसका डिटेल रिव्यू देता हूँ कि क्या क्या है इसमें। तो ये रही वो MT-15 जिसकी मैं बात कर रहा था। और मैं गाड़ी दिखाऊं उसके पहले आप थोड़े सिनेमेटिक एंजॉय करो, तो आपको व्लॉग देखने की अलग ही मजा आएगी। तो सिनेमेटिक शॉट्स तो आपने एंजॉय कर लिए होंगे। तो अब बात करते हैं गाड़ी की, मतलब सबसे पहले तो आपको जो इसमें दिख रहा है तो वो है रैप। तो रैप की बात करूँ तो इसका जो रैप हुआ है वो एकदम मतलब एकदम अलग ही टाइप का रैप है। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, एकदम मतलब कुछ अलग ही रैप किया गया है ये गाड़ी पे। तो ये सब रैप है और जो दोनों मैकव्हील है पेंट किए गए, दोनों मैकव्हील है वो, और जो उस पर जो ब्लैक से रैप किया हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम यही किया गया है, जो मैकव्हील पेंट और फिर रैप। तो रैप की क्वालिटी भी बहुत मतलब एकदम बेस्ट क्वालिटी है। तो भाई को बोला टाइम हो गया, लेकिन मेरे को अभी रैप में कोई प्रॉब्लम आ रहा नहीं है। ये देखो एकदम मस्त दिख रहा है रैप भी पूरा। तो ये अच्छा है कि रैप इसका कम से कम बोला कि 5 से 6 हज़ार में पूरा रैप हो गया भाई का। तो ये अच्छा है कि एकदम लो बजट में इतनी बेस्ट गाड़ी मॉडिफाई हो रही है। और ये देखो ये पेंट भी भाई का कुछ 3 हज़ार में हो गया था, मतलब जैसे एक टायर कराया था, ये छोटी छोटी चीज़ें वो कराई थी, क्योंकि पेंट में ही ज़्यादा चार्जेस जाता है। तो आप देख सकते हो अपनी गाड़ी तो पूरी पेंट है, तो इसमें ऐसा ही हुआ था। और फिर बात करें इसकी एसेसरीज की, तो इस पर सबसे पहले मैं एसेसरीज दिखाऊंगा। ये देखो ये पाइप, तो ये नियन पाइप ऐसे ही लगाया मतलब स्टाइल के लिए, और वहाँ पे कट आउट किया है, तो वो गाड़ी को एक अलग ही लुक दे रहा है आप देख सकते हो। और लगा है इस पर बबल वाइज़र, तो ये वाइज़र इतना ये है कि ऐसा लग रहा है ओरिजिनली लगा हुआ है। और नीचे लगा हुआ है विंगलेट नियन कलर का वो भी, और गोल्डन का रैप किया गया है शॉकर्स पे, तो ये भी अच्छा लग रहा है, सॉरी फॉक पे। और बाकी ये तो पेंट ही किया हुआ है नीचे। और अब बात करते हैं इसकी आइस की। तो इसकी जो आँख है उस पर मोड़ डाला हुआ है, मतलब ब्लिंक होता है, स्लो फास्ट होता है वो हिसाब से। और मैं बता दूँ आपका इसका मॉक्सी का, तो ये देखो ये रहा वो, इस पर है मोड़, स्पीड और लाइट। तो मैं ये चालू करके दिखाता हूँ आपको। देखो अभी स्लो वाला है, अभी इसको चेंज करते हैं। इसमें कितने लगे हुए मोड़? इसमें कुछ 8 या 9 मोड़ है, मतलब अपन टॉप भी कर सकते हैं उसको। अच्छा, और अपन एक आग भी जला सकते हैं उसके, दोनों आग भी जला सकते हैं। जैसे मोड़ तुम चेंज करोगे ऐसा, तो मतलब प्रॉपर लुक आएगा। इंडिकेटर अपन बंद कर देंगे ना ऐसा, एकदम अपने को आग का ही लुक चाहिए तो ऐसा।
चेंज करो एक बार दिखा। हाँ दिखा, ये मोड मैंने चेंज किया, अभी देखो आज भी होगा स्लो भी होगा और लाइट भी अपने अपने हिसाब से अपन डार्क कर सकते हैं, मतलब वो कर सकते हैं। अच्छा लाइट भी डार्क लाइट होती है। हाँ। एक मिनट रुक जा, देखो लाइट है ना। हाँ पॉज कर दिया। हाँ ये रुका दिया। हाँ ये रुका दिया, पूरी आग बंद हुई। अपन एक आग चालू भी रख सकते हैं, एक आग बंद भी रख। पूरी गाड़ी की खूबसूरती इधर से आ रही है, पूरी गाड़ी ना इधर ही है। क्या ही लग रहा है वो। ये रिंग लाइट भी चालू थी। अच्छा रिंग लाइट लगाया ऊपर, रिंग लाइट भी, लेकिन वो बंद हो गया अभी। नहीं बंद नहीं, चालू है। गाड़ी स्टार्ट होने पे जैसे अपने गाड़ी में करना रहता है एक लाइट का। अच्छा हाँ हाँ, इसका कोई फ्लैशर चालू करना, एक ब्लिंक वाला। और ये देखो क्या ही लग रहा है भाई, इसमें अपन स्पीड अप डाउन भी कर सकते हैं। देखो स्पीड वाला हो गया, असली लग रहा है यार ये तो आग। देखो स्पीड हो गई, स्पीड भी अपन स्लो फास्ट कर सकते हैं, मतलब मोड तो है ही, और मोड को अपन स्पीड के साथ भी चेंज कर सकते हैं। केरला वाले लोग को अच्छे से मालूम है वो चीज़ क्या है। और ये केरला में ही होता है, अपने इंडिया में मुंबई में वगैरह बहुत रह रही है। तो ये भी दिखा दिया मैंने इसका, कि ये भी इस पर फ्लैशर लगा के किया है, और दूसरा है इंडिकेटर का फ्लैशर। तो ये तो नॉर्मल है, ये देखो जैसे कि मैंने ये चालू किया तो प्रॉपर पार्किंग हो गए। पार्किंग पर अपने पास आरसी के ये लगा ले अपन इंडिकेटर। हाँ ये इंडिकेटर है, वो है आरसी के, मतलब केटीएम के पीछे भी सेम सेम भाई सेम। पीछे भी आप देख सकते हो भाई ने टेल टाइट ही लगाया है, और नंबर प्लेट पे मॉडिफिकेशन है, और राइडर्स ऑफ मुंबई है हमारे एक दोस्त का पेज, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। एकदम परफेक्ट मॉडिफिकेशन हुई है ये गाड़ी पे। और अब मैं इसका साउंड सुनाता हूँ, क्योंकि गाड़ी बाहर से जितनी अच्छी लग रही है उतना ही अच्छा इसका साउंड है। तो इसके साउंड में ये हुआ है कि इन्होंने लगाया एयर फिल्टर, वो भी मॉक्सी का, जो कैनन फिल्टर आता है उसको बोलते हैं, तो वो लगाया गया। तो थोड़ा साउंड सुना था मैं उसको पहले, तो ये देखो ऐसा लग रहा है अभी स्टॉप साउंड चालू हुआ, लेकिन जब थोड़ा भी रेव करते तो साउंड सुनना गाड़ी का। ज़्यादा शोर नहीं मचाएंगे क्योंकि बिल्डिंग वाला एरिया है, खाली आपको साउंड सुनाने के लिए बताया मैंने। बाकी तो पूरा डिटेल दे दिया मैंने गाड़ी में कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है और कैसी लग रही है गाड़ी। तो चलो यही बताना था कि अपने पास एक MT-15 भी है जो मॉडिफाई है, और अपने व्लॉग पे कभी बताया नहीं मैंने कि कोई MT-15, और जैसे बताया वैसे सबसे बेस्ट, मतलब मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेस्ट MT-15 है जो इतनी प्यारी मॉडिफाई हुआ है। तो अगर आपको किसी को भी ऐसा है कि मेरे को भी भाई ऐसा कुछ कराना है रैप या पेंट, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करो, मेरी इंस्टा ID नीचे आती रहेगी। और बस बाकी ये व्लॉग करते हैं एंड। तो चलो आई होप कि आपको ये गाड़ी अच्छी लगी रहेगी और ये व्लॉग उससे भी अच्छा लगा होगा, और व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार विजिट है तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं इसी को ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।